तो हे गाइस, वेलकम बैक टू देवांश भुंडे। एंड गाइस, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिसका नाम है द कैमल एंड लायन। एक बार की बात है, एक फॉरेस्ट में एक लायन रहता था। उसके चार फ्रेंड्स थे, एक तो क्रो था और एक जैकल और एक तो लियोपर्ड और एक तो और हाँ बस ये तीन थे, चार नहीं सॉरी चारवा वो था लायन। ये चार फ्रेंड्स थे। तो क्या हुआ ना, वो चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो लायन ने एक बार उनसे कहा, यार मेरे को बहुत भूख लग रही है, तो मेरे लिए खाना लेकर आओ। ऐसे उसने खाना उनसे मंगवाया, वो हमेशा देते हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। और फिर कभी कभार लायन भी उसका पेट भरता था तो खाना उनको भी दे देता, और वो बहुत मजे करते थे वो दोनों। हाँ, वो सब लोग एक साथ खेलते थे। पर एक दिन क्या हुआ ना, फिर लायन ने कहा कि चलो आज हम सब लोग एक साथ खाते हैं, इतना खाना लाना कि जैसे हम सब लोग एक साथ खा लें। तो फिर वो फिर उनके मतलब जैकल, क्रो और लियोपार्ड गए जंगल में और खाना ढूंढने गए। पर उधर एक भी खाना नहीं था, सारे जानवर मर गए थे। हाँ मतलब एक टाइप से, हाँ वो जिंदा खाता है तो सारे जानवर मर चुके हैं। तो हाँ वो एक टाइप से मतलब जिंदा जानवर खाते थे, तो उनको खाना मिला ही नहीं। फिर वो लायन के पास आया, उनसे कहा आज तो हमें खाना मिला ही नहीं, सारे जानवर मर चुके थे। लायन ने बोला व्हाट, कैसे? फिर उनको ना, फिर वो सब लोग उदास हो चुके, वो भूखे पड़े हुए थे। फिर वो गए थोड़ा सा, तो फिर लायन इतना वो सूखड़ा हो चुका था ना, उसको खाना मिला ही नहीं, तो फिर वो मतलब एक टाइप से बीमार हो गया था। फिर क्या हुआ ना, दो तीन दिन बाद एक उनको कैमल मिला। कैमल भटक रहा था ऐसी है पर। फिर जैकल और लियोपार्ड और क्रो बहुत खुश हो, उन्होंने बोला कि आज हमारे दोस्त, हम तुम्हारे को लेकर चलते हैं। उनकी साजिश थी मारने की, वो तीनों की साजिश थी। चारकनी लायन तो अच्छा था और वो तीनों गंदे थे। तो उन वो कैमल को लेकर आए। फिर लायन ने कहा हाउ डेयर यू, तुम इतने गंदे कैसे हो सकते, इसको नहीं मारेंगे। उनने कहा, फिर लायन ने कहा कैमल हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, हम तुम्हारे बहुत अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। फिर क्या हुआ, फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर उन्होंने सबको बताया कि हमारे खाने की प्रॉब्लम है, हमें खाना नहीं मिले, तुम भी नहीं खा पाओगे। फिर एक ना वो तीनों ने डिसाइड कर एक चीज़ बोलता है सबसे। क्रो ने कहा कि लायन आप मेरे उन चारों की साजिश थी। क्या हुआ ना, उन तीनों ने बोला कि चलो इसको हम ऐसे मार कर हम खुद को सुसाइड करने का बोल देते हैं और फिर वो भी आ जाएगा हमारे जाल में। तो तीनों ने कहा कि हम मर जाएंगे, तुम खाना खा लो। फिर लायन ने कहा नहीं, तुम मेरे दोस्त ही नौटेंगे। फिर कैमल की टर्न आई बोलने की, तो कैमल बोला मेरे को क्यों मारेंगे, अगर इसने फ्रेंड्स को ही तो नहीं मारा। उसने बोला और लायन ने मार दिया, खत्म कहानी।